बता दें महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ है। 19 एमएलए सदन से एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये 19 एमएलए जो हैं उनमें से 10 एनसीपी के हैं और 9 कांग्रेस के विधायक हैं। एक साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान हंगामा इन्होंने किया था और इसी आरोप के मद्देनजर इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज भोयर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किन किन एमएलए को निकाला गया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? इसमें कांग्रेस और एनसीपी के दोनों पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के विधायक है। पिछले दो सप्ताह से सदन के कामकाज में अटकलें डालने का काम करने का आरोप इन पर है। खासतौर पर बजट सत्र जब पेश किया गया पिछले शनिवार को, उस वक्त टाल मृदंग बजाना, जोर जोर से नारे लगाना और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जब बजट पेश कर रहे थे तो दो घंटे तक इन्होंने सदन में हंगामा किया। दरअसल ये हंगामा कोई नया नहीं था। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष आक्रामक है, उनके तेवर भी आक्रामक है, वह लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन बजट सत्र के दौरान, जो कि राज्य का बजट होता है, और ऐसे इसमें इतना हंगामा दो घंटों तक कभी देखा नहीं गया है। और शायद यही वजह है कि हरिबाबू बागड़े जो स्पीकर है, जो बीजेपी के ही है, उन्होंने 19 विधायकों को 31 दिसंबर तक के निलंबित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि दिसंबर के महीने में नागपुर में जो सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, उसमें ये हाजिरी लगवा सकते या नहीं, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल, बजट सत्र को पास करना होता है, एक तरह से तो एग्जांपल सेट करने की कोशिश भी यहाँ पर स्पीकर की तरफ से की गई है ताकि आने वाले समय में इस तरह की हरकतें ना की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हंगामे जो किए जाते हैं विधायकों की तरफ से, क्या वो वाकई में बंद होंगे इस निलंबन के बाद? देखिए, मुद्दा कर्ज माफी का है, बहुत गंभीर मुद्दा है। किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में लगातार हो रही है, लेकिन इस तरीके से कामकाज को अगर पूरी तरह से रोका जाए तो लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होता है, जो आम आदमी का है, जो सदन के कामकाज पर, जो सवाल बड़े बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा सघन होनी चाहिए, वो अगर नहीं होती है तो सवाल वह भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इस सदन का मतलब क्या है। मुद्दा कर्ज माफी का राज्य से जुड़ा हुआ है, सभी मानते हैं, लेकिन लगातार कामकाज को रोक कर रखना, ये केवल ऐसा लग रहा है कि विपक्ष केवल एक मुद्दा लेकर बैठ गए। लेकिन कहीं अगर सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि वो दिल्ली अरुण जेटली को मुलाकात उन्होंने की शिवसेना के नेताओं मंत्रियों के साथ में, कि किसान कर्ज माफी पर क्या किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने हाथ लगता है ऊपर कर दिया है। पूरी 30,500 करोड़ का जो खर्च है कर्ज माफी का, वो महाराष्ट्र सरकार को करना होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं। लेकिन बजट में उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं जिससे किसान इस पूरे मुश्किल से उभर पाए। लेकिन अब 19 विधायक निलंबित करने के बाद में हो सकता विपक्ष और आक्रामक तेवर अख्तियार कर ले, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि महाराष्ट्र की जनता को आखिरकार क्या मिला इस सदन कामकाज से। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 19 एमएलए को सदन से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बेशक से एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है ताकि जो कामकाज होता है उसमें किसी तरह की बाधा यहाँ नहीं डाली जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत रुपयों का, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। जनता के अधिकार की जो बातें होती हैं वो यहाँ नहीं हो पाती हैं इसी के चलते।